बेसिकली फ्लैगशिप से मतलब ये होता है कि कंपनी जो बेस्ट फोन ऑफर करती है वही उनका फ्लैगशिप होता है। अब यहाँ पे अगर पोको F1 की बात करें तो पोको का फ्लैगशिप फोन पोको F1 है और पोको का अकेला फोन F1 ही है, पर वो बजट प्राइस कैटेगरी में आता है। तो प्राइस से मतलब नहीं है, कंपनी जो बेस्ट स्मार्टफोन ऑफर कर सकती है आपको वही उनका फ्लैगशिप स्मार्टफोन होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रेश, आप देख रहे हैं गीकाचार्य और आज बात करेंगे फ्लैगशिप और फ्लैगशिप किलर्स की। दोस्तों अगर मैं एप्पल की बात करूं तो एप्पल बेसिकली एक स्मार्टफोन डेवलप करते हैं पूरे एक साल में और उसी को अलग अलग वेरिएशंस में आपको दे देते हैं। जैसे कि अगर आईफोन एक्सेस की बात करूं तो सेम स्पेसिफिकेशंस में अगर आपको स्क्रीन बड़ी करके दे दिया जाए तो वो आईफोन एक्सेस मैक्स हो जाएगा, और उसी में स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, फ्रेम में से स्टेनलेस स्टील हटा के एल्यूमिनियम डाल दीजिए, बैक में से एक कैमरा कम कर दीजिए और स्क्रीन में ओलेड की जगह एलसीडी करके फोर्स टच हटा दीजिए तो एक्सआर हो जाएगा, जो कि उनकी मिड रेंज ऑफरिंग है। पर यही बात अगर मैं एंड्रॉयड के केस में करूँ तो एंड्रॉयड के केस में लगभग हर एक स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर बहुत सारी प्राइस रेंजेस में कम्पीट करता है और इन प्राइस रेंजेस को बेसिकली तीन प्राइस कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें से पहली कैटेगरी है बजट स्मार्टफोन्स की। बजट स्मार्टफोन्स में बेसिकली 10-15-20 हज़ार वाले स्मार्टफोन्स आते हैं, जैसे कि आपका रेडमी नोट 7 प्रो हो गया जो कि स्नैपड्रैगन 600 सीरीज़ के प्रोसेसर के साथ आता है, रियलमी का 3 प्रो हो गया जो कि स्नैपड्रैगन 700 सीरीज़ के प्रोसेसर के साथ आता है, और पोको का F1 हो गया जो कि स्नैपड्रैगन 800 सीरीज़ के प्रोसेसर के साथ आता है। अब इसके बाद जो रेंज आती है, प्राइस रेंज आती है, वो होती है मिड टीयर स्मार्टफोन्स की, जहाँ पे बेसिकली बजट के ऊपर जितने भी स्मार्टफोन्स हैं और 40-45 हज़ार तक में, अपर लिमिट इसकी 40-45 हज़ार है और नीचे बजट के ऊपर जितने भी स्मार्टफोन्स हैं वो सारे इस कैटेगरी में आते हैं। और बेसिकली LG की G7, LG का V40 और अपना OnePlus का जो OnePlus 6T है, ये सारे स्मार्टफोन्स इसी प्राइस कैटेगरी में आते हैं। OnePlus 7 Pro भी जो बेस मॉडल है वो इसी प्राइस कैटेगरी में ही आता है और सारे ही स्नैपड्रैगन 800 सीरीज़ के प्रोसेसर के साथ हैं, जो कि टॉप ऑफ द लाइन क्वालकॉम के टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर्स होते हैं। इसके बाद जो प्राइस कैटेगरी होती है, इससे ऊपर जो प्राइस कैटेगरी होती है वो होती है टॉप टीयर प्राइस कैटेगरी, और यहाँ पे कोई अपर लिमिट नहीं है, प्राइस 1 लाख 1.5 लाख कितना भी हो सकता है, जितना मर्जी उस मैन्युफैक्चरर का मन हो उतना बड़ा प्राइस टैग उसके साथ चिपका दें। अभी यहाँ पे आता है iPhone XS Max जो कि 1 लाख के आसपास के स्मार्टफोन्स हैं, यहाँ पे गैलेक्सी सीरीज़ आती है सैमसंग की जो कि 60-70 हज़ार के स्मार्ट 60-70 हज़ार से शुरू होते हैं, अपना OnePlus T का जो टॉप फुली लोडेड मॉडल है 8GB वेरिएंट शायद जो सबसे ज़्यादा बड़ा स्टोरेज साइज़ और रैम साइज़ में है, वो भी इसी में आता है। अब बात करते हैं अगर फ्लैगशिप्स की, तो बेसिकली फ्लैगशिप से मतलब ये होता है कि कंपनी जो बेस्ट फ़ोन ऑफर करती है वही उनका फ्लैगशिप होता है। अब यहाँ पे अगर पोको F1 की बात करें तो पोको का फ्लैगशिप फ़ोन पोको F1 है और पोको का अकेला फ़ोन F1 ही है, पर वो बजट प्राइस कैटेगरी में आता है। तो प्राइस से मतलब नहीं है, कंपनी जो बेस्ट स्मार्टफोन ऑफर कर सकती है आपको वही उनका फ्लैगशिप स्मार्टफोन होगा। LG G7 LG का फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, LG V40 LG का फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, जो कि मिड टीयर प्राइस रेंज में आता है, पर फिर भी वो फ्लैगशिप है क्योंकि LG का वो बेस्ट फोन है। ऐसे ही सैमसंग का जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन है वो सैमसंग S10 प्लस है, जो कि टॉप टीयर प्राइस कैटेगरी में आता है, पर वो एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है क्योंकि सैमसंग वो बेस्ट स्मार्टफोन ऑफर करता है कस्टमर को। ऐसे ही आईफोन एक्सेस मैक्स एप्पल का फ्लैगशिप स्मार्टफोन है जो कि टॉप टीयर के प्राइस कैटेगरी में आता है। तो बेसिकली फ्लैगशिप में प्राइस से मतलब नहीं है, फ्लैगशिप कंपनी का जो भी बेस्ट स्मार्टफोन होगा भले ही वो किसी भी प्राइस कैटेगरी में आता हो वो फ्लैगशिप फोन होगा। अब फ्लैगशिप किलर की बात अगर करते हैं तो जब OnePlus 2014 में आया था तो बेसिकली उन्होंने एक मार्केटिंग टर्म दिया था फ्लैगशिप किलर, जिसका बेसिक एम ये था कि आपको फ्लैगशिप लेवल की जो बेस्ट स्मार्टफोन एक्सपीरियंस है वो दिया जाए कम से कम पैसों में। तो बेसिकली वो मिड टीयर प्राइस कैटेगरी को टारगेट कर रहे थे और वो फ्लैगशिप के जो बेस्ट पॉसिबल स्पेसिफिकेशंस होते थे वो देते थे। तो फ्लैगशिप किलर बेसिकली वो स्मार्टफोन्स होते हैं जो फ्लैगशिप का एक्सपीरियंस आपको ऑफर करे, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया स्मार्टफोन एक्सपीरियंस आपको ऑफर करे कम से कम दाम में। तो मुझे लगता है कि आपको फ्लैगशिप और फ्लैगशिप किलर के बीच में फ़र्क पता चल गया होगा इस वीडियो के बाद, और बेसिकली ये मुद्दा अभी इसलिए उछला है मार्केट में क्योंकि रेडमी टीज कर रहा है अपने रेडमी K20 को, पॉसिबली रेडमी K20 ही होगा फ्लैगशिप किलर 2.0 की तरह,
और देखते हैं कि Redmi K20 आने वाले समय में क्या धमाल मचाता है, क्योंकि Snapdragon 855 प्रोसेसर के साथ आने वाला है और क्योंकि Poco F1 Redmi की ऑफरिंग थी और 20,000 से 23,000 के बीच में Snapdragon 845 लेके आए थे, तो हो सकता है कि 25,000 से 26,000 के अंदर में वो 855 पे बेस्ड स्मार्टफोन लॉन्च कर दें और वो फिर सबसे सस्ता स्मार्टफोन होगा जो Snapdragon 855 प्रोसेसर पे मार्केट के अंदर अवेलेबल होगा। तो काफ़ी एक्साइटिंग ऑफरिंग है ये जो भी Redmi प्लान कर रहा है अपना फ्लैगशिप किलर 2.0 के फॉर्म में, देखते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है। दोस्तों मैंने जितने भी स्मार्टफोन्स का इस वीडियो के अंदर नाम लिया है वो सारे स्मार्टफोन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया और बेसिकली पर्टिकुलर प्राइस कैटेगरी में वो मेरी स्मार्टफोन रिकमेंडेशन है। अगर आप चाहते हैं कि बजट में मैं आपको बजट प्राइस रेंज में सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन्स बताऊँ तो बेसिकली वो तीन Redmi Note 7 Pro, Realme 3 Pro और Poco F1 मेरी रिकमेंडेशन होंगी और ऐसे ही सो ऑन सो फोर्थ। मैंने जो भी नाम इस वीडियो के अंदर लिए हैं स्मार्टफोन्स की वो उस पर्टिकुलर प्राइस कैटेगरी में मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए। आपको करना ये है कि वीडियो के नीचे डिटेल वाला जो बटन है उस पर क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन वाला सेक्शन खुल जाएगा, वहाँ पे जो भी लिंक्स अवेलेबल हैं उस लिंक्स पे जाके आप उन स्मार्टफोन्स को देख सकते हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और फ्यूचर में आप चैनल में क्या देखना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली डिलीवर होते रहे। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।